आज हम हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज बम्बई मेरी जान को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इंडिया के सबसे बड़े ड्रोन के ऊपर बेस्ड है और आप सभी इस ड्रोन को अच्छी तरीके से जानते होंगे। कहानी की शुरुआत 1964 बम्बई शहर को दिखाते हुए होती है, जहां हमें एक शादी दिखाई जा रही है। वहां पर हम इकबाल कादरी और उसकी फैमिली को भी देखते हैं। अब इस शादी में दो लोगों की एंट्री होती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमीर लग रहे हैं। सभी लोग इनकी इज्जत कर रहे हैं। तभी एक औरत आकर उन्हें बद्दुआ देने लग जाती है, जिसकी वजह से सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। एंड हमें पता चलता है ये आदमी दो नंबर का काम करने के साथ साथ नशा बेचने का काम भी करते हैं। इन दोनों का नाम सुलेमान मकबूल उर्फ हाजी और पठान है, और ये दोनों बम्बई शहर के बादशाह हैं। अब हमें सुलेमान मकबूल उर्फ हाजी का पास्ट दिखाया जाता है। ये हैदराबाद से बम्बई आकर कूली बना और जल्द ही इसने सारे कूलीज को अपने फेवर में कर लिया। वहां से ये सभी सोना चुराते और उसे अच्छे दाम में बेच देते। धीरे धीरे सुलेमान काफी अमीर हो गया था। फिर ये हज पर गया। हज से आने के बाद सुलेमान नहीं रहा, बल्कि अब वो हाजी साहब बन गया था। सभी लोग उसके पैसे और डर की वजह से उसकी इज्जत करते थे। हाजी इतना बड़ा आदमी बन चुका था कि बम्बई के सारे बड़े लोग उसके कहने पर काम करते थे, और अब वो बम्बई का बादशाह बन गया था। अब हमें दूसरे आदमी का पास्ट दिखाया जाता है, जिसका नाम अजीम पठान है, जो कि अफगानिस्तान से भागकर बम्बई आया था। पठान हाजी के साथ काम करता था। ये हाजी के उन काले कामों को संभालता था जिससे हाजी अपना नाम दूर रखना चाहता था। ये हाजी के कहने पर किडनैपिंग और मर्डर करवाया करता था। पठान के नाम से पूरी बम्बई डरा करती थी। अब हम इस्माइल कादरी को देखते हैं, जो कि एक ईमानदार पुलिस वाला है। इस्माइल हाजी के एक बार में रेड करने पहुंच गया है, जहां पर उसे उसी के डिपार्टमेंट के दो सीनियर पुलिस वाले मिल जाते हैं। तो ये बिना किसी की परवाह करते हुए उन दोनों को ही अरेस्ट कर लेता है। एंड हमें पता चलता है कमिश्नर और ये दोनों पुलिस वाले जिन्हें इकबाल ने अरेस्ट किया है, ये सभी हाजी के आदमी हैं। इसी वजह से कमिश्नर इकबाल की क्लास लगा देता है, और बेगुनाह होने के बावजूद उसे उन दोनों पुलिसकर्मियों से माफी मांगनी पड़ जाती है। ये सब होने के बाद इकबाल और उसके अंडर काम करने वाले दो पुलिस ऑफिसर्स का पुलिस डिपार्टमेंट पर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि जब जब ये हाजी के अड्डों पर रेड मारते, कोई बड़ा अफसर इन्हीं को डांटकर हाजी को बचा लेता। धीरे धीरे हाजी और पठान के काले कारनामे होम मिनिस्टर तक पहुंच गए थे। तो होम मिनिस्टर इन दोनों को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाने का डिसाइड करते हैं, और इस टीम को बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने IAS अरविंद कौल को दे दी थी। नेक्स्ट डे अरविंद कौल इस्माइल और उन्हीं दो ऑफिसर्स को अपने ऑफिस में बुलवा लेता है, और इन तीनों को पूरी पावर्स देते हुए हाजी के अड्डे पर रेड मारने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अरविंद ने इनकी स्क्वाड का नाम पठान स्क्वाड रखा था। साथ ही अरविंद उन्हें एक वार्निंग भी देता है, अगर इन लोगों ने कुछ भी गड़बड़ की तो वो ये स्क्वाड पूरी तरीके से बंद कर देगा, क्योंकि अब इस्माइल के पास पूरी पावर आ गई थी। तो वो हाजी के लोगों को पकड़ने लग जाता है, ताकि उसे पता लग जाए कि हाजी का माल कब और कैसे बम्बई शहर में आता है। इस्माइल ने एक आदमी को पकड़ लिया था, और उस आदमी को अच्छे से तोड़ने के बाद कादरी को पता चल गया था हाजी का माल दो दिन में वाशी के पोर्ट पर जहाज से आएगा। दूसरी तरफ हाजी और पठान को भी इस स्क्वाड के बारे में पता चल गया था। आज वो दिन था जिस दिन हाजी का माल आने वाला है। तो कादरी अपनी पूरी टीम के साथ पोर्ट पर पहुंचकर चेकिंग करने में लग जाता है, लेकिन अच्छे तरीके से चेकिंग करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से निराश हो गया था। इन सब की वजह से अरविंद उसे बहुत सुनाता है, साथ ही वो उसे लास्ट वार्निंग भी देता है, अगर अगली बार भी ऐसा कुछ हुआ तो वो इस पठान स्क्वाड को पूरी तरीके से बंद कर देगा। ये सब सुनकर इस्माइल काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब इस्माइल उसी आदमी का इनकाउंटर करने के लिए चला जाता है जिसने हाजी की गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें दी थी, लेकिन वो आदमी इस्माइल को उस आदमी का नाम बता देता है जिसने माल को छुपाया था, जो कि और कोई नहीं जहाज का कस्टम ऑफिसर श्रीवास्तव है। अब इस्माइल उससे भी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, और श्रीवास्तव उसे बता देता है हाजी का माल कल आएगा। नेक्स्ट डे दोबारा इस्माइल अपनी पूरी टीम को लेकर रेड करने चला गया था, लेकिन अच्छी तरीके से चेकिंग करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उसकी नजर कुछ मछुआरों पर जाती है, जो कि समुन्द्र के किनारे मछली पकड़ रहे थे। तो उसे उन मछुआरों पर शक होता है, एंड जैसे ही इस्माइल उनके पास जाता है, उसे हाजी का पूरा माल मिल जाता है। माल के पकड़े जाने की वजह से हाजी और पठान पूरी तरीके से बौखला गए थे। अरविंद भी उन तीनों को सतर्क रहने को बोलता है, क्योंकि हाजी और पठान कभी भी उनसे बदला ले सकते हैं। अब हम इस्माइल के बीच वाले बेटे को देखते हैं, जिसका नाम धारा है, जो कि बचपन से ही हरामी है। धारा स्कूल से घर पर आया है, तभी अचानक इस्माइल की वाइफ का लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तो धारा पास ही की दुकान पर जाता है, ताकि वो अपने पापा को कॉल कर सके।
लेकिन वो दुकान वाला धारा को कॉल करने नहीं देता, क्योंकि धारा ने थोड़े ही दिन पहले उस दुकान वाले का पर्स चोरी किया था। तभी धारा की खाला वहां आ जाती है तो वो इस्माइल की वाइफ को हॉस्पिटल ले जाती है। अब हमें पता चलता है इस्माइल को बेटी हुई है जिसका नाम धारा ने हबीबा रखा है। लड़की के पैदा होने पर इस्माइल बहुत खुश था, वो अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे खेल रहा था। तभी अचानक वहां पर हाजी आ जाता है। हाजी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। जब वो सोना चोरी करता था उस टाइम उसका बड़ा भाई जेल में था, तो एक दिन वो अपने भाई से जेल में मिलने के लिए गया था और हाजी ने अपने भाई को इस काम के बारे में सब चीज बता दी थी। थोड़े ही दिनों में उसके भाई की जमानत हो जाती है, लेकिन उसकी सजा काफी लंबी थी। एक दिन वो हाजी से मिलने के लिए आता है तो हाजी उसे अपना अड्डा दिखा देता है जहां वो चोरी का माल रखता था। तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है और हाजी को मालूम हो गया था इसी के भाई ने पुलिस को मुखबरी करी है। तभी पुलिस वालों ने इसकी सजा माफ कर दी। पुलिस वाले आकर हाजी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके चुराए हुए माल को भी जब्त कर लेते हैं। थोड़े ही दिनों में हाजी जेल से छूट गया था। वो जेल से आते के साथ ही अपने भाई को मार डालता है। हाजी की बात सुनकर इस्माइल उसे बोलता है, हराम का काम करोगे तो ऐसा तो होगा ही। अब हाजी उसे समझाता है, मेरे साथ काम करो, बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन इस्माइल एक ईमानदार आदमी है, वो हाजी के साथ काम करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि इस्माइल की नजरों में हाजी एक शैतान है। दूसरी तरफ हम इस्माइल के बेटे धारो को देखते हैं, जिसे हाजी की मर्सिडीज कार बहुत अच्छी लग रही थी। तो हाजी उससे बोलता है, क्या तुम अंदर आके बैठना चाहते हो? मगर धारा उसे मना कर देता है और बोलता है, जब मैं अपनी कार लूंगा तब उसमें बैठूंगा। धारा की ये सब बातें सुनकर हमें रियलाइज हो गया था धारा आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करेगा, और हाजी को भी मालूम हो गया था इस्माइल का बेटा बड़ा होकर हरामी बनेगा। अब हम देखते हैं इस्माइल अपने बच्चों को कुरान में लिखी हुई बातें बता रहा है, जहां पर लिखा हुआ है चोरी करने वालों के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। तो धारा उससे पूछता है, हाजी ने इतनी बीमारियां की है लेकिन उसके हाथ तो किसी ने नहीं काटे, बल्कि उसके पास तो मर्सिडीज कार है। धारा की ये बातें सुनकर इस्माइल को रियलाइज हो रहा था धारा उसके हाथों से निकलता जा रहा है। तभी वहां पर इस्माइल की वाइफ का भाई आ जाता है, जिसका नाम रहीम है, जो कि चोरी करता है और नशा करता है। तो इस्माइल उसे उसके घर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो उल्टा इस्माइल पर ही रिश्वत लेने का इल्जाम लगाने लगता है। ये सुनकर इस्माइल उसकी अच्छी तरीके से पिटाई कर देता है। अब हमें अन्ना राजन को दिखाते हैं, जो कि नकली दारू बेचने के साथ साथ टैक्सी का भी काम करता है और कोलावा पोर्ट उसके अंडर में है। क्योंकि वाशी पोर्ट से हाजी का माल पुलिस आसानी से पकड़ लेती थी, इसलिए हाजी अन्ना राजन के पास मदद के लिए आया है। हाजी की बातें सुनकर अन्ना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसका पार्टनर बन जाता है। क्योंकि अन्ना के पास काफी सारी टैक्सी थी तो वो हाजी का माल अपनी टैक्सियों से डिलीवर करवाता था, एंड ये बात इस्माइल के मुखबर ने उसे बता दी थी। अब पुलिस वाले अन्ना की सारी टैक्सियों को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें हाजी का माल नहीं मिल पाता। ऐसा करते हुए काफी दिन निकल गए थे और पुलिस के हाथों में कुछ नहीं लग पा रहा था। दूसरी तरफ हम धारा को देखते हैं, जो कि स्कूल से बंक मारकर आवारागर्दी करता था। धारा की एक आदत थी, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता था, इसलिए वो सभी को पैसों से खरीद लेता था। इस्माइल को महसूस हो गया था धारा कुछ गलत कर रहा है, तो एक दिन वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। आखिरकार इस्माइल को पता चल गया था कि टैक्सी में माल कहाँ छुपा होता है। वो एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेता है और उसे उस लोकेशन का पता करने के लिए बोलता है जहां ये सारा माल जाता है। दूसरी तरफ हम इस्माइल के साले रहीम को देखते हैं, जो कि अपने जीजा से बदला लेने के लिए उसके दुश्मन हाजी के पास काम मांगने के लिए आ गया था। एंड जैसे ही हाजी को पता चलता है कि ये इस्माइल का साला है, तो वो उसे काम पे रख लेता है। अगले दिन इस्माइल के घर पर बेटी पैदा होने की खुशी में फंक्शन था। रात को रहीम और हाजी के लोग सामान डिलीवरी करने के लिए निकल जाते हैं। तभी पुलिस वालों का मुखबर उसे उन गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दे देता है जिसमें माल जा रहा था, और उसी गाड़ी में रहीम भी था। अब वो गाड़ी एक चेकपॉइंट में फंस गई थी। पुलिस को देखते ही रहीम और हाजी का आदमी भागने लग जाते हैं, तो पुलिस वाले भी उनका पीछा करने में लग गए थे, जिसमें हाजी का आदमी पुलिस के पकड़ में आ गया था, लेकिन रहीम फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रहीम इस्माइल के घर पर आ गया है और वो बहुत डरा हुआ है। इस्माइल को जैसे ही पता लगता है रहीम ने हाजी का काम करा है, तो वो उसे बहुत मारता है। अब रहीम इस्माइल से मदद मांग रहा था कि उसे बॉम्बे से बाहर निकलवा दे, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। इस्माइल की वाइफ भी उसे बहुत बोल रही थी, इसलिए वो रहीम को जाकर ट्रेन में चढ़ा देता है। बस यही इस्माइल की सबसे बड़ी भूल थी। थोड़ी ही देर में इस्माइल की टीम का एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और रहीम के बारे में पूछता है, तो इस्माइल उसे झूठ बोल देता है कि रहीम यहाँ पर नहीं आया। अब वही पुलिस वाला इस्माइल को हॉस्पिटल लेकर जाता है, एंड हॉस्पिटल आते ही उसे जो पता चलता है
उसे सुनते ही उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रहीम ने उसी की टीम के एक पुलिस वाले को जान से मार दिया है। इतना सुनकर इस्माइल को काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इस्माइल ने ही रहीम की भागने में मदद की है। तो अब इस्माइल के साथ क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।